हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज देखिए चंद्रघंटा माता की तीसरा दिन पूजा है। हमने सुबह 5 बजे उठे हैं, अपने पूजे रूम में जा कर के अच्छे से सफाई कर रहे हैं। देखिए ये सारे फूल जो है इसको हटा देना है। सारे फूल जो होता है मुरझा जाता है, तो उसको रखना नहीं चाहिए, रखना अच्छा नहीं होता है। और ये अच्छे से साफ सफाई करके हमने हाथ से इसे पोछा लगाए हैं। इसे झाड़ू उड़ू से नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। और चंद्रघंटा माता के नमन करते हैं। और चलिए आपका भी दिन का शुरुआत करते हैं माता रानी के दर्शन करवा के। अभी देखिए मेरे सारे सफाई हो गया। इसके बाद हम सारे बर्तन यहाँ जो जिसमें भोग भोग लगाया जाता है सारे हमें वो करना है। और ये देखिए तीसरा दिन सुबह के टाइम है। मेरा जौ इसमें जो 5 अनाज पड़ता है वो अब जमने लगा है, अच्छे से निकल रहा है। और स्प्रे बोतल से हमने इस पे पानी थोड़ा थोड़ा डाले हैं। इससे क्या होता है, जो बालू में रखा जाता है वो बालू बिखरता नहीं है, आराम से पानी पड़ जाता है। और इसका जो जौ होता है बहुत अच्छे से निकल जाता है। और देखिए मेरा एकदम चमाचम चमक गया पूजा रूम, अच्छे से सफाई हो गया। अभी जब पंडित जी आएंगे तो हम पूजा करेंगे। ये देखिए जो दही है, सिंदूर, अदरक, रोड़ी, ये अक्षत, मौध, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, लाल चंदन, सिंदूर, केला, सेब, पेड़ा, ये सब चीज़ हमने चढ़ाने में रखे हैं। ये फूल अपने गार्डन से लेकर के आए हैं, वो फूल है। और आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के। अब पंडित जी आने वाले हैं, अब हम दोनों लोग पूजा पे बैठेंगे। तो आइए आप भी पूजा कीजिए माता रानी की, काफ़ी खुशी मिलती है पूजा करके। व्रत रह के 9 दिन का व्रत अच्छा लगता है करने में। देखिए बाबा जी आ चुके हैं, हम दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। अभी बैठे हैं, पूरे मंत्र के साथ एक एक चीज़ चढ़वाते हैं बाबा जी। सारे चीज़ मंत्र के साथ चढ़वाते हैं। और ये चंद्रघंटा माँ को दूध जरूरी होता है चढ़ाना, तो वैसे तो दूध रोज़ चढ़ता है, लेकिन स्पेशली इस माता को दूध एकदम से ज़रूरी होता है। और बाबा जी बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं, हम लोगों को आरती करवाते हैं अच्छे से। ये देखिए दूध का धार दिलाता है, जिसमें 7 लौंग पड़ता है, पंचमेवा पड़ता है, गंगा जल, ये सब डाल के माता के धार दिलाता है। धार काफ़ी अच्छा होता है देना। फिर हम दोनों लोग आरती कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया से आरती हो रहा है, आरती भी बहुत अच्छे से गाते हैं लोग। तो कल हम आपको सुनवाएंगे बा पंडित जी के जो मंत्र पढ़ते हैं वो। और चलिए आरती होने के बाद हम आपको रेसिपी दिखाते हैं। देखिए हमने केक बनाए हैं, काफ़ी टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब, एकदम से स्वादिष्ट ये मेरा केक तैयार हुआ था। लगेगा नहीं कि आपको ये सिंघाड़े के आटे की केक है। और देखिए आप देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए हमने रोटी सब्जी फलहार बनाए हैं, इसका रेसिपी आपको जल्द देने वाली हूँ। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ नवरात्रि, जय माता दी।